दोस्तों, हम इंसानों के बेस्ट फ्रेंड कहे जाने वाले डॉग्स कितने क्यूट होते हैं ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन आज हम क्यूटनेस की हद पार करने वाले कुछ ऐसे स्मॉल डॉग्स से आपको मिलवाएंगे जिन्हें देखकर आपको भी उनसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे डॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करने का शुभ काम भी जल्दी से कर ही लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पमेरेनियन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आप पमेरेनियन नाम के इस डॉग ब्रीड से मिलिए जो गजब के प्यारे लगते हैं। जहां इनकी गर्दन के नीचे काफी बाल होते हैं जो इन्हें अलग लुक देते हैं। फ्लफी से दिखने वाले ये डॉग्स मात्र 20 सेंटीमीटर तक ही बढ़ते हैं, और अगर हम इनके वजन की बात करें तो ये ज्यादा से ज्यादा 3.5 किलो के होंगे। ये एक एक्सट्रोवर्ट टाइप के डॉग होते हैं जो किसी भी जगह में घुल मिल जाते हैं, और इनके मिनी वर्जन देखेंगे तो आप इनके दीवाने हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी पॉकेट में रख कर कहीं भी घूम सकते हैं। और अगर आपको कोई खास कलर पसंद है तो उसमें भी ये डॉग पीछे नहीं है, क्योंकि इस डॉग ब्रीड के 18 कलर्स होते हैं जो इन्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंच बुलडॉग की। जब हम फ्रेंच बुलडॉग का नाम लेते हैं तो कई सारे लोगों को ये उतने ज्यादा क्यूट नहीं लगते, पर एक बात पक्की है कि जब आप इन्हें सामने से देखेंगे तो इनके साथ खेले बिना खुद को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इनके चेहरे पर एक अलग ही तरह की इनोसेंस होती है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। टाइनी और मस्कुलर दिखने वाले ये फ्रेंच बुलडॉग ज्यादा से ज्यादा 12 इंच के होते हैं, और इनका वजन 16 से 28 पाउंड का होता है। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो पालतू बनाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्यूटनेस की बात हो और हमारे लिस्ट में डचशुंड का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये डॉग अपने छोटे छोटे पैरों के सहारे दौड़ते हैं तो गजब के क्यूट लगते हैं, और इसके अलावा ये काफी फ्रेंडली भी होते हैं। इसी की वजह से ये कई सारे लोग इन्हें अपने पालतू डॉग के रूप में देखना पसंद करते हैं। ये डॉग्स कई सारी वैरायटी में आते हैं। ये ब्लैक कलर से लेकर ब्राउन हेरी ब्रीड के भी हो सकते हैं। हालांकि इन सभी की वैरायटी छोटी और क्यूट होती है, और इनका वजन ज्यादा से ज्यादा 16 से 32 पाउंड का होता है। इनमें से कुछ के स्मॉल वर्जन भी होते हैं जो 12 पाउंड के होते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि कितने छोटे होते होंगे। टॉय पुडल। दोस्तों, डॉग की ये प्रजाति भी बड़ी गजब की होती है। देखने में बिल्कुल खिलौने जैसे लगते हैं। हालांकि इनके लार्ज साइज डॉग भी होते हैं, लेकिन अगर बात इनके स्मॉल साइज की हो तो इनकी क्यूटनेस किसी का भी दिल जीत लेती है, क्योंकि इनके कर्ली बालों के चलते ये डॉग लोगों को काफी पसंद आते हैं। 3 से 4 किलोग्राम के ये टॉय पुडल वाटर डॉग भी कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें वाटर स्पोर्ट्स काफी पसंद होते हैं। प्यारे से दिखने वाले इन डॉग्स की इसी तरह की क्यूटनेस को बनाए रखने के लिए इनकी देखभाल भी करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे एक्टर और एक्ट्रेस अपनी देखभाल करते हैं, क्योंकि कई बार ये टॉय पुडल के ऑनर्स अपने डॉग को ग्रूमिंग के लिए इन्हें 3 से 6 हफ्ते में प्रोफेशनल ग्रूमर्स के पास भी ले जाते हैं। अब इसी से आप इस डॉग ब्रीड के स्टैंडर्ड को समझ सकते हैं कि इन्हें कितना ज्यादा पैम्पर की जरूरत होती है। चलिए अब बात करते हैं इटालियन ग्रे हॉन्ड की। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ्लफी लिटिल डॉग पसंद होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इटालियन ग्रे हॉन्ड ज्यादा क्यूट लगते हैं। ये इटालियन ब्रीड लार्ज ग्रे हॉन्ड का छोटा रूप होते हैं जो काफी ज्यादा स्वीट होते हैं, और इनकी लॉयल्टी अपने ऑनर के प्रति बहुत ज्यादा होती है। इनके अंदर फ्लफीनेस तो नहीं होती, इसी वजह से ये स्पीड में काफी बेहतर होते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर इनके लुक्स को साइड में रख दिया जाए तो ये काफी बेहतरीन किस्म के डॉग होते हैं, जिनके साथ बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई वक्त बिताना चाहेगा। इसी वजह से ये इटली में ज्यादातर घरों में पालतू कुत्तों के तौर पर दिखाई देते हैं। ब्रुसेल्स ग्रिफन ब्रीड यानी कि दाढ़ी। दाढ़ी मैनली होने की निशानी होती है, लेकिन जब बात क्यूटनेस की आती है तो इन दोनों का आपस में कोई मेल नजर नहीं आता। पर दोस्तों, इस सच को कोई नहीं झुठला सकता कि प्यारे से दिखने वाले ब्रुसेल्स ग्रिफन डॉग काफी जबरदस्त दिखते हैं।
खासकर इनकी आंखें जो काफी हद तक इंसानों की तरह है, जिन्हें देखकर कोई भी इनके साथ खेलने के लिए मजबूर हो जाएगा। और अगर आपने इनके साथ एक बार खेलना शुरू कर दिया तो आप वीडियो गेम खेलना भूल जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा अपने साथ रहने वाले लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आपको कोई समझदार और प्यारे साथी की जरूरत है तो ये डॉग आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट है पेकिंगेज। अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिन्हें दूसरों के नखरे उठाने की आदत है तो ये डॉग आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि पेकिंगेज नाम के डॉग जितने प्यारे हैं उतने ही नखरे वाले भी होते हैं। इन्हें बिल्कुल रॉयल लाइफस्टाइल में जीने की आदत होती है। हालांकि ये अपने मालिक से वफादार तो होते हैं, लेकिन इनकी वफादारी भी इनके मूड के हिसाब से होती है। और जब इन्हें ज्यादा अटेंशन मिलती है तो इन्हें बहुत ही मजा आता है, इसलिए ये हमेशा फैमिली मेंबर्स के बीच में जाकर बैठ जाते हैं ताकि कोई इनसे प्यार करे। बाकी अगर इनके नखरों को छोड़ दिया जाए तो ये लुक्स में काफी क्यूट हैं और इनके एक्सप्रेशन तो भाई साहब कमाल के होते हैं, जिसे देखते ही कोई भी इन्हें गोद में उठाने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं रशियन टॉय टेरियर की। अगर आप लोगों ने इस डॉग के बारे में पहले नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम आपको कोई ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया के अलावा ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। रशियन टॉय दुनिया के सबसे छोटे डॉग्स में से एक है, लेकिन अपने साइज के बिल्कुल विपरीत ये अपने ओनर को किसी भी सिचुएशन से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, फिर चाहे उसमें इन्हें चोट ही क्यों ना लग जाए। ये चीज इनकी लॉयल्टी को दर्शाती है। ये डॉग ब्रीड चिहुआहुआ डॉग की तरह दिखती है, उन्हीं की तरह इनकी हाइट और वेट भी होता है, लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे तो ये उनसे ज्यादा क्यूट दिखते हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है हेमनीज। दोस्तों ये क्यूट लिटिल डॉग क्यूबा में पाए जाते हैं, वहाँ का ये नेशनल डॉग है। 23 से 27 सेंटीमीटर की हाइट वाले ये डॉग काफी ज्यादा फ्लफी हैं। ना सिर्फ ये क्यूट होते हैं बल्कि अपनी कम हाइट के चलते ये और भी ज्यादा प्यारे लगते हैं, बल्कि ये एक वॉच डॉग के हिसाब से भी काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि ये काफी इंटेलिजेंट और लॉयल होते हैं जो अपने मालिक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी आज की वीडियो में इन्हें शामिल करने का सिर्फ एक ही मतलब है, वो ये है कि ये गजब के प्यारे लगते हैं। अब बात करते हैं पेपिलोन की। ये हमारी लिस्ट में सबसे टॉप पर है, क्योंकि ये अपनी क्यूटनेस में किसी को भी पीछे छोड़ देते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह होती है इनके कान, जो सच में काफी बड़े हैं और प्यारे भी हैं। लुक्स वाइज ये बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह दिखते हैं। इन डॉग्स के ज्यादातर ऑनर्स यही कहते हैं कि ये डॉग्स काफी मजेदार, सतर्क और प्यारे हैं, जिन्हें खेलना काफी ज्यादा पसंद है और ये हर वक्त खेलने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली लाइन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो देखने में भले ही छोटे हैं लेकिन अपनी चुस्ती और फुर्ती से बड़े बड़े डॉग्स को पीछे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ सबसे छोटे डॉग्स। अब आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, आपको इनमें से सबसे प्यारा डॉग कौन सा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई डॉग है या फिर कोई और पेट है तो उसका क्या नाम है ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार।